दोस्तों, अब हम पढ़ने वाले हैं क्वांटम संख्याएं। क्वांटम संख्या केमिस्ट्री का एक बहुत बड़ा पार्ट होता है। स्पेक्ट्रम रेखाओं की सूक्ष्म प्रकृति समझाने तथा इलेक्ट्रॉनों की ठीक ठीक स्थिति का वर्णन करने हेतु चार क्वांटम संख्या का प्रयोग किया जाता है, और इसी चार क्वांटम को अच्छे समझने के लिए हमें इसका प्रयोग करना पड़ता है। दोस्तों, आज हम जो क्वांटम संख्या के बारे में पढ़ने वाले हैं, वो पहला क्वांटम है मुख्य क्वांटम संख्या। जैसे कि यह एक धनात्मक पूर्णांक होती है। इसका मान जो है 1, 2, 3 आदि हो सका है। एन का मान बदलने में अनुमानतः कक्षों की संख्या बढ़ती है। इसे एन स्क्वायर द्वारा दिया जाता है। इलेक्ट्रॉन की मुख्य ऊर्जा स्तर को प्रदर्शित करती है। एन के बढ़ने से कक्षा की ऊर्जा बढ़ती है। ध्यान रखिएगा, एन मतलब संख्या। जैसे जैसे हम संख्या बढ़ाते जाएंगे, सेल की संख्या भी बढ़ती जाएगी। भाई कैसे? अगर मान लीजिए एन संख्या 2, तो 2 का सेल कितना जाएगा? 2 × 2 = 4, यानी 4 संख्याएं आपको उसमें आ जाएगी। और हर, आपको भी पता है कि जो इलेक्ट्रॉन होता है वो इस तरह से हर कक्षा में अपना बढ़ता जाता है। कैसे? 2, 8, 8, है ना, ऐसे करता जाता है। 18, 18, 32, इस तरह का जो प्रोसेस होता है वो बढ़ता जाता है। तो इसे हम अच्छी तरह से समझे भी होंगे। तो बस ये ध्यान रखिए कि मुख्य क्वांटम संख्या का क्या प्रभाव पड़ता है, कैसे स्थिति में बढ़ता है, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन हम पढ़ेंगे द्विगांशी क्वांटम संख्या। जी हाँ दोस्तों, द्विगांशी क्वांटम संख्या किसे कहते हैं? तो देखिए, द्विगांशी क्वांटम संख्या या एजिमिथेलेशन क्वांटम नंबर, यह एल नंबर इलेक्ट्रॉन कक्षक ऑर्बिटल की द्विविमीय आकृति को प्रकट करती है, ठीक है। एल का न्यूनतम मान 0 तथा अधिकतम मान -1 होता है। यानी एन का जो मान निकालना है, अगर एन नंबर ऑफ संख्या एटॉमिक नंबर 5 है, तो उसमें एल का नाम मान क्या हो जाएगा? n-1 होगा। अर्थात वो 5 में 1 कम कर दीजिए, 1 कम हमेशा वो एल का मान होता है, 4 होगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? 4। तो इस तरह का द्विगांशी क्वांटम संख्या कहते हैं। देखिए, तीसरा है चुंबकीय क्वांटम संख्या। इसे m से शो करते हैं, मैग्नेटिक है, क्वांटम नंबर है। यह उप ऊर्जा स्तर के कक्षकों ऑर्बिटल को प्रदर्शित करता है। m का मान l के मान पर निर्भर करता है। किसी l के लिए m का मान प्लस l से लेकर -l तक होता है। जैसे अगर मान लीजिए l का मान 4 आया, ठीक है, l का मान क्या आया? 4। तो ये 4+4 भी हो सकता है और -4 भी हो सकता है, या फिर +4 से लेकर -4 के बीच में कोई भी नंबर आपका मैग्नेटिक चक्रण चुंबकीय क्वांटम संख्या के अंतर्गत रखा जाता है। अब चक्रण क्वांटम संख्या के बारे में पढ़ेंगे। चक्रण स्पिन होता है। देखिए, कोई भी क्वांटम संख्या 2 तरह से स्पिन कर सकता है, लेफ्ट एंड राइट, क्लियर है। तो देखिए, चक्रण क्वांटम संख्या 1995 में चार्ज उहेलेन बैंक और गेमुअल गाउंड स्मिट ने एक चौथी क्वांटम संख्या को प्रतिपादित की जो इलेक्ट्रॉन पृथक्करण क्वांटम संख्या कहलाई। यह इलेक्ट्रॉन के चक्रण की दिशा को प्रदर्शित करती है। किसी चुंबकीय क्वांटम संख्या m के लिए चक्रण क्वांटम संख्या s का मान 1/2+ में हो सकती है या -1/2- में हो सकती है। इसे कहते हैं चक्रण क्वांटम संख्या, ठीक है। चलिए, क्वांटम यांत्रिकी मूल समीकरण किसने किया था? तो क्वांटम यांत्रिकी का मूल समीकरण श्रोडिंगर द्वारा जो है प्रतिपादित किया गया था। और इसके लिए 1933 में, ध्यान रखिएगा, इसके लिए उन्हें 1933 में भौतिक का नोबल पुरस्कार भी मिला था। तो किसको? श्रोडिंगर को, क्लियर है। चले आगे, ठीक है, पाउली का अपवर्जन का नियम पढ़ेंगे। देखिए दोस्तों, क्वांटम संख्या मैं आपको समझा दिया। क्वांटम संख्या मुख्य रूप से 4 होते हैं, जो कि हमने अभी पढ़ा। देखिए, पाउली का अपवर्जन का नियम क्या होता है, क्या कैसा प्रोसेस है, इसके बारे में जानिए। तो देखिए, 1925 में जो है पाउली का एक्सप्लेन अपवर्जन का नियम दिया गया। इसके अनुसार दिए गए परमाणु में किन्हीं 2 इलेक्ट्रॉनों के लिए 4 क्वांटम संख्या का मान समान नहीं हो सकता है। अतः यदि 2 इलेक्ट्रॉनों के n, l और m के मान एक ही हों तो उनका चक्रण विपरीत होगा, ठीक है। ये चीज़ें हमने यहाँ पे देखा। दोस्तों, आगे नेक्स्ट वीडियो हम आगे देखते हैं, ठीक है।